कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए चंडीगढ़ कंपटीशन क्लासेस को और करे अपने पंजाब एग्जाम मास्टर कार्डर एंड एनडीए का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। हाँ जी दोस्तों, अज आप कर रहे हैं जिहड़ा अपना चंडीगढ़ का पेपर आया सी पुलिस दे विच कॉन्सटेबल, उहदा आपां मॉक टेस्ट कर रहे हैं। इदों पहलां आपां इहदियां दो वीडियो बनाईआं ने मॉक टेस्ट दीआं, जिहदे विच आपां जिहड़े मैथ दे क्वेश्चन है जी उह डिस्कस कीते सी। आपां नूं पता कि मैथ ते जिहड़ा रीजनिंग दा पोर्शन आ उह पेपर दे विच काफ़ी ज़्यादा होगा, तां करके जिहड़े अपने मॉक टेस्ट आ उह आपां उस तरह ही बना रहे हैं जिस तरह कि आपां नूं कि जिहड़ा पंजाब जिहड़ा अपना पुलिस कॉन्स्टेबल चंडीगढ़ का जिहड़ा पेपर आऊगा तो जिहड़ा बिल्कुल लैवल आपां नूं सेम मिलेगा। इहदे नाल आपणी की होगी जी रिवीजन होगी वधिया जी मैथ दी। आपां स्टार्ट करदे हां, देखो जी अपना पहला क्वेश्चन आपां नूं एच सी एफ ते एल सी एम तो लिता गया नंबर सिस्टम के मोस्टली क्वेश्चन। ये काफ़ी पेपरों के इस तरह रिपीट हुंदा गा जी। अगर आपां इस तरह का क्वेश्चन करना हो करना पैंदा गा, अपने कोल एक फार्मूला हुंदा गा जी जिहड़ा आपां मोस्टली यूज़ करते हैं। वो अपने कोल की हुंदा गा कि जिहड़ा एच सी एफ आ नंबर का एल सी एम आ नंबर का उन्हां दोवां दी जदों गुणा करांगे वो किहदे बराबर आउंदा जी, दोवां नंबरां दी गुणा दे बराबर आउंदा। ये फार्मूला हुंदा जी अपने कोल कि दो नंबरां दा एच सी एफ ते दो नंबरां दा एल सी एम जदों उन्हां दी गुणा करते हो किहदे बराबर आउंदा, जिहड़े अपने दो नंबर आ जी उन्हां दी गुणा दे बराबर आउंदा। ते एच सी एफ किन्ना जी इहदा अपने कोल दित्ता होया 16, एल सी एम किन्ना दिता होएगा 240, एक नंबर किन्ना जी अपने को 48, दूसरा नंबर आप करना जी पता करना गा। देखो ये नीचे चला जाऊगा 16 ती 48, 31 38 24 नाल लग जीओ तो जोड़ा नंबर अपने को 80 आऊगा। जोड़ा दूसरा नंबर अपने को N2 आओ कि बराबर आऊगा जी 80 बराबर आऊगा, किन्ना आऊगा 80 बराबर, ये अपना आंसर आऊगा। ये आप इस तरह करांगे ठीक है जी। उस तो बाद अगला सवाल, हाँ जी ये आप डिवाइड देखना जी 11 दे नाल डिवाइड किवें होगी वैल्यू जे आप उसे स्टार आ उसकी जगह पर की वैल्यू रखी। 11 का देखो रूल की हुंदा अपने को जे आप ये देखना हो कोई रकम है अपने को भी 11 दे नाल वंडी जाती है, ये आप देखना हो किवें वंडी जाऊगी तो ये देखो जी भी कोई भी रकम होगी जिवें अपने को आ वाली रकम है आ स्टार अपनी जगह पर पता करना गा, उस बाद 3, उस बाद 39 आ गया, 4 ते 5 आ गया ठीक है। जे संख्या दे अंक किहड़े ईवन ते ऑड, उधरों ईवना का जोड़ कर लिए उधरों ऑड का जोड़ कर लिए, जे उन्हां दा जिहड़ा अंतर आ जां तां 11 दे नाल वंडिया जांदा होवे जां फिर 0 आउंदा होवे तां उह संख्या 11 दे नाल वंडी जाऊगी। हुण देखो इहदे आ ने आ देखो ईवन ते कली वाला फिर आ कली वाला फिर आ कली वाला फिर आ कली ठीक है जी। आए जोटे के नंबर से देखो आ 2 ते आ फिर आ 4 ते आ 6 ते आ, मैं जोड़ा 8 ते 3 11, 11 ते 4 15, जिहड़े जोटे वाले उन्हां दा जोड़ता 15 आउंदा, कली वाले का किन्ना आउंदा देखो 7 ते इत्थे आपां नूं भरनी वैल्यू नहीं पता हाले, 7 तों बाद 9 किन्ना आ गया 16, 16 ते 5 किन्ना आ गया जी 21 ठीक है। 21 नूं जदों आपां माइनस करांगे तां आपणे कोल किन्ना बच गया 6। आपां कहिंदे सी जां तां अंतर 11 दे पहाड़ ते वंडण नाल आवे जां 0 आवे, तां इहदी थां ते अगर आपां 5 रख दिंदे तां 5 होर जुड़ जाणा सी तां किन्ना बन गया सी जी 11, तां जिहड़ा अगर आपां इत्थे 5 रखिए आंसर अपना 5 आऊगा। अगर आपां 5 रखता तां जिहड़ा आपां ईवन वाले नंबर जोड़ते हैं उधरों ऑड वाले नंबर जोड़ने दा अंतर किन्ना आ रहा 11, जे 11 दे आ जांदा 11 22 33 44 कोई भी नंबर आ जाता तो वह वैल्यू 11 दिन बढ़ी जाती, तो जो अपना आंसर है जी वो डी वाला आंसर होगा। आप इस तरह इन कर सकते हैं जी ठीक है जी। उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं, देखो जी कि आऊगा अपने को क्लॉक वाला सवाल है। ये अपन सवाल देखने पेपर के दे मिलेगा जी, पिछला जोड़ा अपना चंडीगढ़ पुलिस का पेपर से कॉन्स्टेबल क्वेश्चन अपन है जी इस तरह का क्लॉक वाला, ये एक ही फार्मूला लाना जी अपने को एंगल जिहड़ा कोण आ वह कि बराबर हुंदा जी 30 एच माइनस 11 बटा 2 मिनट, आह वाला फार्मूला लाउणा गा। इहनू तुसीं अपनी कापी ते चंगी तरह नोट कर लो। कलॉक दे विच इक फार्मूला वरत्या जांदा उह आ वाला कि एंगल भी किन्ना अपने कोल एंगल आ किन्ना कोण आ जे आपां पता करना होवे 30 एच 30 मतलब गुणा करो एच की हुंदा घंटे माइनस 11 बटा 2 मिनट, इस तरह आपां
हूँ देखो अपने को एंगल का आप पता करना, एंगल नहीं पता है ती एच कि 7:20 घंटे किन्ने हुए 7 - 11/2 मिनट किन्ने हुए जी 20 ठीक है 7 या 21 नाल लागी 0 माइनस देखो 2 ना कैंसिल करांगे कितना आ गया 10 10 दी 11 ना गुणा करेंगे कितना आ गया 110 आ गया माइनस करांगे अपने कोले तो एंगल किन्ने आऊगा थीटा किन्ने दा आऊगा जी 100 दा तो आंसर कितना आऊगा 100 ये अपना आंसर आऊगा ठीक है। कलॉक दे विच इक्को ही फार्मूला वरतदे आ वो अपना ए वाला हुंदा इहनूं तुसीं चंगी तरह जी नोट कर लो ठीक है जी। तो आंसर कितना आऊगा थीटा की दे बराबर होगा 100 दे बराबर ए वाला अपना आंसर होगा एवें आपां करांगे। हाँ जी अगला देखो बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है जी देखो कि नारे आंसर है। हाँ जी देखो एक बोट 30 किलोमीटर तय करती है जो वह नीचे नू जाती है जी 30 किलोमीटर तय करती है जो वह नीचे नू जाती है आप कह सकते देखो नीचे नू जा रही है उदो कि 30 किलोमीटर तय करती है किन्ने समय के जी सिर्फ 2 घंटे जो उपर नू जाती है तो देखो दूरी तो यही ती करनी है कि 30 किलोमीटर पर हूँ समा जोड़ा वो कि लगता जी 6 घंटे। देखो सेम दूरी के सेम बोट में टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा जो बोट पानी के थलड़े हिस्से जाती है थलड़े पासे जाती है उदो पानी उन्होंने जाने के मदद करता जो उपर न जाती है तो पानी उन्होंने रोकता गा ठीक है जी। तो जे आप इतों गति देखिए गति का जोड़ा फार्मूला अपने को कहने हों दूरी बटा की आ गया जी समा ठीक है। दूरी कि 30 समा कि लगता जी 2 घंटे तद गति कि आ गई 15 की थले जाऊगा तो गति कि होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो उपर न जाऊगा 30 बटा कि होगा 6 कि आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो उपर न जाऊगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो थले होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जे आप बोट की आप गति पता करनी हो किश्ती की अगर गति पता करनी हो दोनों गतियों जोड़ना थले तो उपर 15 + 5/2 लाना 15 + 5 कि हो गया जी 20/2 कट के कि होगा 10 आंसर कि होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये अपना आंसर होगा ठीक है जी। उम्मीद आ समझ आ रहा होगा डी वाला अपना आंसर आऊगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये आप आंसर कटा ठीक है जी। उस तो बाद अगले सवाल की गल करते हैं आप द एरिया ऑफ द ट्रेंगल ट्रेंगल का जोड़ा अपना तिकोण का खेत्रफल पता करना गा जिहड़ियां भुजावां आपां नूं 6, 10, 8 दित्तियां होईआं ने फुटां दे विच तां देखो जी ट्रेंगल का फार्मूला लगाना पैना गा ट्रेंगल किहड़ी दा लगाना पैना गा जिहड़ियां 3 भुजावां अलग हुंदियां ने दसो जी 3 भुजावां जिहड़ियां अलग हुंदियां ने उहदा फार्मूला की हुंदा गा। देखो तिकोण आपां लैणी आ जिहड़ियां 3 भुजावां अलग अलग ने जे आ ए आ आ बी आ सी आ तिने की ने अलग अलग ने भुजाव तो आप गल करिए एक भुजा कि 10 सेंटीमीटर 10 फुट है दूजी कि 8 फुट है तीजी कि 6 फुट है ठीक है। केड़ी तिकोण आ इनू स्केलर ट्रेंगल भी कहें तो इनू विखम भुजा ट्रेंगल भी कहें जिदिया सारिया भुजाव अलग अलग होगा विखम भुजा ट्रेंगल कहने तो ये जो फार्मूला गा वह फार्मूला पा वाल लावे एस एस का मतलब सैमी पैरीमीटर पैरीमीटर का हाफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आप फार्मूला लगाओगे एस माइनस ए एस माइनस बी तो एस माइनस सी आप फार्मूला लगाओगे एस की इतने पैरीमीटर का हाफ पैरीमीटर की होंगे सारिया भुजावों का जोड़ सारिया भुजावों जोड़ा कि आ गया 16 16 - 8 कि आ गया 24 सारिया भुजावों का जोड़ कि आ गया 24 ये होंगे पैरीमीटर सैमी पैरीमीटर की होंगे यदा हाफ 24/2 कट के कि होगा जी अपने को 12 एस कि आ गया 12 ठीक है जी। हूँ आप फार्मूले के वैल्यू भर दें आप कहने एस कि 12 फिर इस बाद की आ एस माइनस ए किन्ने 12 तो कि माइनस करना गा 10 पहली भुजा माइनस फिर की करना गा एस माइनस बी 12 के 8 फिर एस माइनस सी 12 के 6 हूँ अगे देखते हैं आप 12 आ कि रह गया 2 आ कि रह गया 4 आ कि रह गया 6 ठीक है जी। हूँ की करना गा रूट के 2 - 1 आऊगा अगर आप फैक्टर बनाइए 12 के इनू की बनने 4 * 3 12 बन गए जी
दो आप ही रख लिया, चार भी हैगा, ये किड़े किड़े बन गए, तीन इंटू दो, तीन भी देखो दो बारी आ, दो भी दो बारी आ, चार भी दो बारी आ, तो बाहर निकल के अपने को कि चार तीन ते दो आऊगा, गुणा करांगे छे तो कि आ गया चौबी। आंसर की आऊगा चौबी, खेत्र वाला फुट की स्केयर आऊगा, चौबी फुट की स्केयर आऊगा अपने को, बी आंसर आऊगा। सवाल का आंसर की आऊगा जी बी, इन आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अगे देखो जी अपने को समझ आ रहा होगा उम्मीद है, आही फार्मूला लाना अपन याद रखना गा, ए केड़ी ट्रैंगल आ वो त्रिकोण की गल करते हैं जिंदियाँ तिने भजावं अलग अलग ने। ठीक है, जिंदियाँ तिने भजावं अलग अलग होंगे उनके वास्ते फार्मूला लाने, हीरोज फार्मूला इनू आप कहने। उस तो बाद देखो अगला टाइम एंड वर्क का सवाल, एक और देखो करके जी किवें होगा। हाँ जी, ए बी और सी किस काम को जरा कंप्लीट कर दिया, कौन कौन, एक ए आ, एक बी आ, एक सी आ, ए बी ते सी, ए बी ते सी, ए किन्ने टाइम च करता चौबी च, बी किन्ने च करता पांच च, सी किन्ने च करता बारह च। ठीक, कहते तिने रल के किन्ने दिन कर लेंगे, सब तो पहला यदा एलसीएम लेना, एलसीएम कि होगा जी 120, इनू कि यूनिटा काम करूगा ये पांच, ये कि करूँ पाँ दो पाँच दस चार पाँच भी चौबी, ये कि करूगा दस यूनिटा, इन्ने यूनिटा ही काम करे, मीन जी ए की जी काम करने की समर्था वो कि जी अपने को पांच, बी की कि चौबी, तो सी की कि दस, यदि कम कर समर्था की। उस तो कहते जी दोवे ने काम करना शुरू किया, तिना ने कट्ठे ने, तो तिने कट्ठा कि करे चौबी, चौंती के पांच कि हो गया जी अपने को, चौंती के पांच अंताली, अंताली यूनिटा ही काम करे, कम कि अपने को 120 यूनिटा। ठीक है, समा अगर आप क्ढना हो, समा आप कटते होंगे जो, अगर आप समा देखना होना होगा तो समय का फार्मूला की होंगे, कुल कम कि गा बटा की है जिनी अपनी एफिशेंसी है, जिनी अपनी कपैसिटी आ, तो समा आप क्ढना गा कुल कम कि जी 120, कपैसिटी किन्ने दी जी 39, कम करने की समर्था कि 39, हम देखो 39 तिना करा सताई कि आ गया 11, हाँ दो आए थे 11, तो अपने को बन गया तीन से कट्टया गया, बाद कि गया इतने तीन, तीन वटा 39, एक तीया तीया कट्टया गया अगे एक, एक वटा 13, तीन एक वटा 13 अपना आंसर आऊगा जिहड़ा कि अपने को डी वाला आंसर है। ठीक है जी, टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आऊ सब तो पहला आप एलसीएम लावे, एलसीएम जिहड़ा आऊगा अपने कुल कम आऊगा, ये की आता जी अपने कुल कम जिहड़ा आप कुल कम करते हैं वह आऊगा अपने को, फिर आप टाइम कढ़ना हो कुल कम अपाउंड जिनी अपनी एफिशेंसी, एफिशेंसी नूं कहने अपनी समर्था, कम कर दी समर्था कि हूँ तिने रल के कम करते हैं, तिने रल के कि करते हैं 39 यूनिटा, फिर आप कुल कम बटा 39 करके सॉल्व कर। हाँ जी देखो अगला अपने को, देखो एक फेवरेट सवाल है जी, ये किमें करते हैं आप, हरेक पेपर के पिछे पाया जाता गा, एक आदमी ने की किया 36 जड़े ऑरेंज ने संगतरे बेचे ने 1 रुपए के बेच, किन्ने बेचे ने, हाँ 36 संगतरे बेचे ने किन्ने रुपए के बेच, 1 रुपए के बेच, जो बेचा तो उन्होंने की हुई आ 4% का नुकसान हुआ। ठीक है, जे कहते उन्हें लाभ लेना हों कि लेना हों 8% लाभ उन्हें लेना हों कि बेचता, देखो उन्हें 36 बेचते तो उन्होंने हानि हुई आ, जो उन्हें लाभ लेना हों घट बेचने से किदे तो घट बेचने से 36 तो घट, तो 36 तो घट वाला अपने को आंसर की आऊगा, तुम ये चीज़ में देख सकते हो, खरीद मुल हों 100%, अगर हानि होगी 4% तो बेचते 96% से, जे लाभ लेना कि जी 8% तो बेचने पैणगे 108%। ठीक है जी, 4% हानि होगी 96% से बेचते, जे लाभ लेना तो 108% बेचने, इतों समझ आ गई। हुण की होगा जो आंसर अपना वो 36 तो घट आऊगा, तो ये जे आप 36 तो घट आंसर लेके आना तो आप कह दें 36 गुणा 96 बटा 108 आप ला सकते। ठीक है जी, तो एक ना ध्यान रखना गा, जे नुकसान होगा तो अपने को घट आऊगा, जे हाँ लाभ हों तो अपने को वाधा होना सी। हम बस सॉल्व कर लें आप, किन्ने टेबल से कट्टे जी, 4 के टेबल से, 1 चौका चौका 9 चौका 36, 1 चौका चौका 2 चौके 8 9, कि 7 चौका 28,
एक नया नया तीन नया सताई एक तीया तीया ती ती नौ दो आ गया तो उन्हें किन्ने बेचने पैणगे 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पैणगे अपने को डी वाला आंसर ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਹਾਨੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਘਟੂਗਾ ਜੇ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 108 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ 16 ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ 108 96 ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 96 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 108 ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਘੱਟ ਆਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 108 ਵਟਾ 96 ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੇਚਾਂਗੇ 1 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 5% ਇਹਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 5% ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂ ਆ 10% ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5% ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ 5% 5% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 200 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5% ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5% ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 200 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ 5% ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਆ ਉਹਦਾ 10 20 ਕੀ ਆ 10% ਆ 5% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4000 ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਧਨ ਆ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 200 200 400 410 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4410 ਰੁਪਏ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4410 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ 12000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਾਹਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ 19 ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੁੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ 8 ਹੋਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ 16 ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 19 ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ 19 ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 12000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੁੱਗਣਾ 24000 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 48000 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 96000 ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 96 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 192 ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ 4000 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ 192000 ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ 19 ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ देखो आप कहने कि 15:22 ठीक है उस तो बाद दो डबल अनुपात कि एक्स अनुपात कि जी 11 ठीक है इस तरह अपने को हूँ आप अगे गल करते हैं देखो 15 अगर अनुपात है तो इन आप इस तरह लिख सकते हैं डबल अनुपात का मतलब बराबर लिख सकते हैं एक्स बटा 11 ठीक है जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 22 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ 22 ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 2 ਤਾਂ 15/2 ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ 7.5 ਐਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਜੀ
7:30 जिहड़ा कि अपना सी वाला आंसर होगा। इस तरह आपां सवाल नूं जी कर सकते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद आपां अगले सवाल की गल करते हैं। देखो जी किस तरह होगा सिंपली क्वेश्चन का सवाल अपना। फाइंड द वैल्यू, आपां कीमत पता करनी है जी। इहदा देखो सिंपलीफिकेशन आ, इहदे विच आपां तां इह कह सकते हैं कि सब तो पहले आपां डिवाइड नूं हल करना हैगा, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस जिहड़ा मर्जी कर लो। अपने कोल 25 आ, डिवाइड किन्ना 5, गुणा 14 गा, माइनस 22 आ, प्लस किन्ना गा 19। पहला डिवाइड सॉल्व करांगे, कट्टांगे तां किन्ना आ गया 5, फिर की आऊगा जी गुणा करना, आपां गुणा करांगे किन्ना आ गया 70, 22 माइनस प्लस 9 आ, गुणा जोड़ांगे तां किन्ना आ गया 79, इहदे विचों 22 नूं आपां माइनस कर लांगे तां किन्ना आ गया 57। अपना आंसर की आऊगा 57, जो कि अपना सी वाला आंसर। आपां इस तरह सवाल नूं सॉल्व कर, ठीक है जी, आपां इस तरह कर सकते। उस तो बाद आपां अगले सवाल की गल करते हैं। आ देखो जी, सम ऑफ तीन नंबर अपने कोल ए बी सी, तिना दा सम आपां नूं दिता होएगा किन्ना 98 दिता होएगा, तो फिर ए ते बी दा अनुपात ते बी ते सी दा अनुपात दिता, आपां बी दी वैल्यू देखनी किन्नी आऊगी। देखो करके किस तरह करांगे आपां। हाँ जी, अपने कोल अगर आपां तिना नूं जोड़िए, किनूं किनूं, ए नूं बी नूं ते सी नूं, तिना नूं अगर आपां जोड़दे हां अपने कोल ए आ बी आ ते सी आ, तिना नूं अगर जोड़ दिया तो अपने कोल कितना बनता 98 बनता, तिना नूं जोड़ के कितना बनता गा 98। हुण अपने कोल ए ते बी ते सी दा अगर इन्हां दा अनुपात देखिए, पहला अपने कोल ए ते बी आ, ए ते बी कितना 2 ते 3 लिखांगे आपां, फिर बी ते सी कितना 5 ते 8 लिखांगे, ऐ तक आपां ही लिखांगे। ठीक है, पहला ए ते बी कितना 2 ते 3, फिर बी ते सी कितना गा अपने कोल 8 ते आपां 5 लिखांगे। हुण देखो इहदे नाल कौन लगदा 3 तां उरे लिखांगे 3, इहदे नाल कौन लगदा 5 तां उरे लिखांगे आपां 5। ठीक है जी, इस तक आपां ही करांगे। उस तो बाद देखो इन्हां दी गुणा करांगे, कॉमन कट्टे नहीं आंदे, किन्ना आ गया 10, किन्ना आ गया 15 ते किन्ना आ गया 24। इत्थों आपां नूं इह पता लग गया वी जिहड़ा ए आ उहदे कोल 10 हिस्से आ, जिहड़ा बी आ उहदे कोल 15 हिस्से आ, जिहड़ा सी आ उहदे कोल 24 हिस्से आ। तिन्नां दे हिस्सिआं दा जोड़ किहदे बराबर आ 98 दा, तिन्नां नूं आपां जोड़ांगे तां किन्ने बण गए अपने कोल 49, 49 किहदे बराबर आ 98 दे बराबर, एक हिस्सा किहदे बराबर है जी 2 दे बराबर, एक हिस्सा किहदे बराबर है 2 दे बराबर। सी दा पुछा, बी दा पुछा, बी दे कोल किन्ने ने 15 हिस्से, गुणा आपां 2 दे नाल करांगे, 15 दूना किन्ना आ गया जी 30, तां जिहड़ा अपने कोल आंसर आऊगा किन्ना आऊगा 30, आंसर किन्ना आऊगा 30। आपां सी वाला आपां की करांगे जी आंसर करांगे, इस तरह आपां सवाल नूं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला देखते हैं जी। देखो मिश्रित ब्याज का सवाल आ, कहिंदे जिहड़ा अपने कोल रेट ऑफ इंट्रस्ट आ जिहड़ी दर आ, जेकर वह 20% लगती होवे तां घट्टो घट इन्हां दे विचों किन्ने साल लगणगे कि जिहड़ी अपनी रकम आ जिहड़ी आपां जमा कराई सी मूलधन सी कि वह दुगना हो जाऊगा। हुण देखो अगर आपां सधारण ब्याज की भी गल करदे, सधारण ब्याज दे विच की हुंदा गा, दुगना होण दा मतलब की आ, मान लो इत्थे आपां 100% पैसे जमा कराए, किन्ने परसेंट जमा कराए ने पैसे, आपां 100% आपां पैसे जमा कराए ने। ठीक है जी, दुगने होने का मतलब जी आपां सधारण ब्याज की गल करते हर साल 20% 5 सालों के गुणा करते तो 5 सालों के दुगना हो जाना सी, 100% अपने को ब्याज मिल जाना सी, 100+100 200% बन जाता, यदा अपने को सधारण ब्याज भी बन जाता। जे आप चक्करवती ब्याज की गल करिए, मिश्रित ब्याज की गल करिए, ये की होंगे ब्याज से ब्याज लगता गा, तो 5 सालों के सधारण ब्याज के अपनी रकम दुगनी हो जाती है, तो जिहड़ा मिश्रित ब्याज है वह 4 तो भी घट हो सकती है, यानी कि जल्दी हो सकती है। पर आप छोटा तो छोटा दसना गा, छोटा किहड़ा होगा अपना सी आंसर होगा, ठीक है, बी आंसर होगा। ठीक है, छोटे ही बोलिया गा, ये नहीं है आप कही भी अपना पूरा आंसर नहीं है, भी अपना आंसर नहीं है। उन्होंने पूछे भी घट तो घट किन्ने साल चाहिए कि डबल हो जाए, घट तो घट 6 सालों के ही डबल हो जाएगी मिश्रित ब्याज। ठीक है जी, क्योंकि जे आप सधारण ब्याज भी गल करते हर साल 20% मतलब 5 सालों के 100% हो जाता, यदा मिश्रित ब्याज आ वो तो उदू भी जल्दी होगा क्योंकि ब्याज से ब्याज लगता है। ठीक है जी, इस तरह आप घट तो घट अपने को 6 सालों के दुगुनी तो उपर हो जाएगी, आप इस तरह कर। हाँ जी, देखो अगला सवाल, देखो ये नंबर सिस्टम का अपना बहुत सिंपल सवाल है कि जी 61 आ, उन्होंने अगर आप 17 से वंडना गा, पूरा पूरा वंडिया जाए तो 61 के
किन्ने होर जोड़ने पैणगे। आपां की करते हैं जी 65 21 नूं 17 दे नाल वंड के देख लैंदे हां। अपने कोल किन्ना जी 65 21 उन्हूं किहदे नाल वंड के देखना जी 17 दे नाल। 17 तीआ 51 हुंदा गा, किन्ने बच गए 4, किन्ने बच गए 1, आ 2 आ गए। उदू बाद किन्ने ते जा के आउंगे 17, किन्ने ते 8, 17 8 55 आ गया, किन्ना आ गया 8, 8 ते 5 किन्ना आ गया 13, किन्ना आ गया 136, किन्ने ते गया सी 8 ते, किन्ने बच गए जी अपने कोल 6 बच गए, इधर किन्ना 1। ठीक है, हुण देखो आपां नूं पता जिहड़ा 17 चौगा हुंदा उह किन्ना हुंदा गा 68 हुंदा गा, तां इहदे विच आपां नूं किन्ने जोड़ने पैणगे 7। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ 68 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ 68 ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ 7। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਰਟ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਸੀ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 2011 ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 10 ਲੱਖ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਜੀ 9 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 10 ਲੱਖ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 9 ਲੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਗਾ, 9 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ 10, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਤੋਂ, ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ 100 ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100/9 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11/99 ਆ ਗਿਆ, 11/99। ਦੇਖੋ ਜੀ 11 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 11 'ਤੇ, 11/99, 11/99 ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 0 ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 11 ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, 11%, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 11% ਆਂਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 0 ਲਾਵਾਂਗੇ 100 ਬਣੂ ਫਿਰ 11 ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 11% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਂਸਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਨੂੰ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 9 ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰਾ 11% ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ, 11% ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਏ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 20% ਵੱਧ ਗਈ, ਮਤਲਬ 100% ਸੀ, 100 ਦਾ 20% ਵੱਧ ਗਈ 120 ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 20% ਘੱਟ ਗਈ, ਇਹਦਾ 20% 120 ਦਾ, ਇਹਦੇ 120 ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 120/100, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 24, ਕੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 24, ਵਧੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 20, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 96 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4% ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4% ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10% ਵੱਧ ਜੇ 10% ਘੱਟ ਜੇ, ਜਾਂ 20% ਵੱਧ ਜੇ 20% ਘੱਟ ਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓਗੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟਾ ਇਹਦੇ 100 ਲਾਓ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 20×20 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 100, ਆ 0/0 ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4%, 4% ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗੀ ਹਾਨੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਆ ਸਵਾਲ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ 20%, 20% ਜਿੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਵਟਾ 100, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ ਐਕਸ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਆ 0/0 ਕੱਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5, ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਟਾ 5 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 9 5 45 ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ 0,
जी एक्स की कीमत है वह कि आ गई 450। किनी एक्स की कीमत आऊगी जी 450, जो कि अपना बी वाला आंसर है जी। अपना आंसर क्या होगा, बी वाला आंसर 450 आप इस तरह करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, सिर्फ सिंपल है, जोड़ने वो घटाने जोड़ घटाओ दगा, पर अपन गलतियां हो जाए करके प्रैक्टिस होनी जरूरी है जी। हाँ जी देखो ये दोवें जोड़ते किन्ने बन गए 6, ये तीन घट गए तो कि आ गया 3, फिर किन्ने बन गए 6 घट गए कि आ गया 3, किन्ने बन गए 6 घट गए 3 आ गया, फिर आ गया पॉइंट, उस तो बाद कि आ गया 0, तो अपना आंसर की होगा 3.3.0, जो कि अपने को ए वाला आंसर आ, इस तरह आप करा जी। ठीक है जी, हाँ जी ये देखो आप प्लस करना गा, याद रखना कि पॉइंट के पॉइंट थले रखना हमेशा। हाँ जी आप कहेंगे 33, देखो पॉइंट तो बाद 0 आ, अगे देखो पॉइंट 3, फिर कि पॉइंट 3 3, पॉइंट के थले हमेशा पॉइंट रखना, पॉइंट 6 कि आ गया 6 3, 36.6 आऊगा, जो कि अपना बी वाला आंसर है जी, ये अपना आंसर आऊगा। ठीक है जी, आपको सिंपलीकेशन के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे चंडीगढ़ कॉम्पिटेटिव क्लास, हाँ चंडीगढ़ जो पुलिस का अपना कॉन्सटेबल का पेपर है जी, आ देखो जी इहदा की आंसर आऊगा, हाँ जी 42 जोड़ 3 डिवाइड कि 6, पहला ब्रैकेट वाले सॉल्व करांगे जी, 3/6 कटांगे कि आ गया 1/2, 42 1/2 तो कि आऊगा 42.5, अपना आंसर कि आऊगा 42.5, जिहड़ा कि अपने को ए वाला आंसर आप इस तरह सवाल को सॉल्व करांगे। ठीक है जी, उस तो बाद अगला देखो जी, हाँ जी अपन आयत का एक खेत्रफल दिता होगा तो भुजा के बारे अपन की कहा भी जी लंबाई आ चौड़ाई नो 20% ज़्यादा गई, तो आप चौड़ाई पता करनी है, देखो आयत इस तरह की होंगी, आयत अपने को इस तरह बनी होंगी जिंदी आमने सामने भुजावान बराबर होंगे, यदा जो खेत्रफल है खेत्रफल का जो फार्मूला गा वह हों लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है जी, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक भुजा 20% ज़्यादा, 20% का मतलब है जे इन आप 5x मान चौड़ाई तो इनू कि मानेंगे 6x, क्योंकि 5 तो 6 होना कि होंगे जी 20%, तो एक भुजा जी आप 5x मानेंगे दूजी किन्नी मानेंगे 6x, आप कहे लंबाई कि मननी आप 6x चौड़ाई कि मननी 5x, दोवों की गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई कि बराबर है जी खेत्रफल, खेत्रफल आपको कितना दिता है 1920। ठीक है, दोवों की लंबाई तो चौड़ाई की गुणा करती कि बराबर है 1920 के बराबर है, इतों आप एक्स की वैल्यू कढ़ीए तो एक्स की हो गया गुणा आ गया कि आ गया 1920 बटा कि आ गया जी 30, आ 0 के नाल 0 कट्टी 1 3 30 है 6 3 18 कि आ गया 64, एक्स की स्क्यर कि आ गया 64, एक्स की कीमत कि आ गई जी अपने को 8। ठीक है, तो यह 5x की 8 नाल गुणा करांगे तो कि बन गया 40, यदि 8 के नाल गुणा करांगे तो कि बन गया 48। ठीक है, तो चौड़ाई पूछा चौड़ाई कितनी होगी जी 40, तो जो अपने को आंसर आऊगा वह कितना होगा 40, सी वाला आंसर आऊगा, इस तरह आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद अगले सवाल की, हाँ जी ये देखो किमें करा आप, रूट का मतलब की होंगे अद्धी पावर। ठीक है जी, अपन क्या गया रूट के 13 वो पावर कि 4, तो आप कह सकते रूट का मतलब की आ हाफ पावर 13 उपर कि जी 4, इनू कट सकते हैं तो 13 की पावर कि आ गई जी 2, तो मतलब की आ गया 13 का स्केयर आ गया, 13 का स्केयर कि होंगे जी 169, तो अपना आंसर की आऊगा बी वाला अपना आंसर आऊगा, इस तरह आप सवाल को करा। ठीक है जी, हाँ जी ये देखो राखी तो राजी किसी काम को मिलकर किन दिन करते 8 दिन, राखी तो राजी देखो एक अपने को राखी आ दूजा कौन आ राजी, मिलकर किसी काम करते 8 दिन, तो कल राखी
ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰ ਦੇਈ? 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈਣਾ। ਐਲਸੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 40। ਸਹੀ ਆ ਐਲਸੀਅਮ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ? 5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ? 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਆ, 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ 5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਰਾਖੀ 4 ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ? 1 ਯੂਨਿਟ। 1 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲਸੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 40। ਜੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊ? 5। ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡੇਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1 ਯੂਨਿਟ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ? 40। ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ? 1 ਯੂਨਿਟ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 40। ਅਗਰ ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ? 40 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 85। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 85। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗਾ ਜੀ? 5। ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 5। ਠੀਕ ਆ, ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ 4 ਆਂਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 60 ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 55। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ? 85 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 45 ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 40। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 40 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ? 85। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ? 85। ਤਾਂ 5 ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ? 40। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 85 ਬਣਦਾ। ਬੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਮ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਰੋਹਿਤ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? 2 ਅਤੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ? 5000। ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਗਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਊਗਾ? ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? 2-3। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਿਆ, ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋਊਗੀ 3-2। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਊ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, 3 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, 2 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ? 2 ਹਿੱਸੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ? 5 ਹਿੱਸੇ। 5 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? 5000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 1 ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ? 1000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ? 2 ਹਿੱਸੇ। ਤਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ? 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 2000 ਆਪਣਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਸਮ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਟੋਟਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 32। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ? 25। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 25 ਕਰਾਏ ਸੀ, ਬਣ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? 32। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 25 ਤੋਂ 32 ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ? 8 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 8 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ? 2 ਰੁਪਏ। ਦਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਵਟਾ ਮੂਲ ਧਨ ਗੁਣਾ 100, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ? 2 ਰੁਪਏ। ਮੂਲ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 25%। ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾ 100। ਠੀਕ ਆ, 25 ਚੌਕਾ 100, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 8% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਰ ਆਊਗੀ। ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਜੀ? 8%, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 33.25। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 60,000 ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ?
देखो 60,000 तो हैगी आ, हर साल किन्नी बार दी है 10%, यानी कि 100 तो 110 होंगी आ, किन्ने बारी होगी 3 बारी, 100 तो किन्नी 110, 100 तो किन्नी 110, ठीक है जी। 6 जीरुआ ने 3 जीरुआ तो आई कट्टिया गई, 3 जीरुआ पाँ कटती, की रह गया 60 की गुणा कि 11 की गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। 11 11 121, 121 कि 1331, 11 का क्यूब होंगे 1331, नाल 6 की गुणा करते हैं, 6 कि बन गया 18, 18 तो 1 कि बन गया 19, कि आ गया 6, 6 तो 1 कि आ गया 7, नाल लग गई 0, तो 79,860 बनूगा, 79,860 अपना बी वाला आंसर होगा, ठीक है। ये सारे इस तरह ही करोंगे, जे आबादी बढ़ूगी तो आप प्लस करा, जिम्मे 100 तो 110, 100 तो 110, 100 तो 110, 3 बार क्यों लेता, क्योंकि 3 बार वधिया, ठीक है जी। हाँ जी, देखो अगला सवाल देखो, कि रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, देखो प्रेजेंट एज मतलब अज के समय के, प्रेजेंट एज मतलब अज के समय के कि पी तो क्यू का जो उम्र का अनुपात कि 3:4, उस तो बाद 5 साल पहला, 5 साल पहला पिछे चले जावे, हूँ कि अनुपात है, हूँ 4:7, ठीक है जी। उस तो बाद देखो आप पता करना गा वट विल बी द रिस्पैक्ट रेशो 6 साल बाद, इतने 6 साल बाद कि अनुपात हो गया, पूछ देखो 5 सालों के बच्चे कितना फर्क है, इधर कितना का 4, इधर कितना का 4 तो 7, एक का फर्क है और ये कितने का 3 का फर्क है। पहला आप पार्ट सही करिए भी 4 तो 3 एक का फर्क है, इधर कितना 7 तो 4 का ज़्यादा, आप कहेंगे देखो इधर कितना आ गया 4 7, जिहड़ा थल्ले का फर्क है तहाले का गुणा, यहाँ 3 का फर्क सी 9 आ गया, थल्ले गुणा करनी है तो कि आ गया 12। हुण देखो किन्ने का फर्क पै गया 5 का, इतने भी किन्ने का फर्क पै गया 5 का, पहला आप फर्क बराबर देखना किन्ने किन्ने का आ गया 5 का, 5 का फर्क, 5 का फर्क 5 सालों के पैंदा गा, 1 साल के किन्ने का पैंदा होगा जी 1 साल, 1 साल के किन्ने का पैंदा होगा जी 1 साल, तो यह मतलब की आ जे पहला 4 साल का सी हूँ 7 का, 5 साल बाद 9 का हो गया, किन्ने का 12, उस तो बाद किन्ने बाद 6 साल बाद किन्ने का होजू जी 15 का, 6 साल बाद किन्ने का होजू 18 का, अनुपात एक टेबल से कट के देखिए कि आ गया 5 कि आ गया 6, तो आंसर कि होगा 5 तो 6, जोड़ा कि अपने को बी वाला आंसर आप इस तरह सवाल में करा, ठीक है जी। हाँ जी, अगला देखो अपने को टाइम एंड वर्क का, कहते अगर आप किसी 6 आदमियों ने कोई काम कराने उधर 9 औरतों तो 6 आदमियों तो 6 आदमियों तो काम कराने या फिर 9 औरतों तो काम कराने, वो किन्ने दिन होंगे गा 288 दिनों के, याद रखना यह मतलब जेडे आदमी के काम कर 6 आदमी के काम करने की समर्था वो कि बराबर आ 9 औरतों के बराबर आ। हूँ देखो अगर आप काम कराने आप करा लें आदमियों तो आप कह 6 आदमी काम करते हैं टोटल किन्ने दिन लगते हैं 288, ये टोटल काम हो गया, हूँ ये टोटल काम आप करा कि 18 आदमी प्लस कि 21 औरत, हूँ देखो इतने आप आदमी लेते हैं तो थले भी आदमी और तो आप 18 है, इन्हों जो आप आदमियों के बदलोंगे तो अपने को होगा 7 या 21, यानी कि अपने को होगा 14, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 6 आदमी कि बराबर ने जी 9 औरतों के बराबर, उस तो बाद आप गल करिए 12 आदमी कि बराबर होंगे जी 18 औरतों के बराबर, ठीक है जी। हूँ अगे गल करते आप 2 आदमी देखो कि बराबर आ गए, जो आप देखिए 3 2 आ गए, कट के 3 3 भी कटा, 2 आदमी कि बराबर आ गए 3 औरतों के बराबर आ गए, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि जेडे अपने 14 आदमी ने वो कि बराबर होंगे 21 औरतों के बराबर होंगे, तो आप की करता प्लस 4 करता 14 करता, सारे दे आदमी लेने 6 गुणा 88 जोड़ा आप कि आ गया 12, आ कि गया 2 3 आ गया, कैंसल कर दें 3 आ गया, इधर कि आ गया अपने को 16 आ गया, 16 1 16 आ गया, ठीक है जी। किन्ने बज गए 128 तो किन्ने जाऊगा 8 से गुणा करा 18 की 3 कि होगा 54 आंसर आऊगा, जो कि अपना सी वाला आंसर आप इस तरह सवाल में कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, मोहन ने एक साइकिल खरीदया जी कि 750 का, तो बेच कि दिता उन्हें 675 का, तो दसो किन्ने परसेंट में हानि हुई है। देखो जी खरीद मुल नालों बेच मुल की है घट है, तो हानि तो हुई होगी, किन्ने परसेंट की हानि हुई आप तो ये पूछ रहे हैं। खरीदया किन्ना सी आप 750 का, खरीद मुल कि 750, बेचिया किन्ने का आप बेचिया गा 675 का, हानि किन्नी की हुई है जी 75 रुपये की,
हमेशा थले खरीद मुल लाना गा गुणा 100 करनी आ। ठीक है, आप करना भी किन्ने का अपन हानि हुई आ, थले लिखनी हानि, थले उदू थले लिखना खरीद मुल गुणा 500 परसेंट कटने वास्ते, कट्टा कि आ गया 10, इनू कट्टा कि आ गया 10%, तो आंसर कि आऊगा 10%, तो आंसर की आऊगा बी का आंसर आऊगा। ठीक है जी, अपने को बी की आऊगा आंसर आऊगा। देखो सिंपलीफिकेशन का सवाल अपने को किमें करा, हम देखो अपने को तीन दी पावर है, फिर डिवाइड आ, डिवाइड थले आऊगा पावर 7 है, फिर की आ गुणा की तीन की पावर 2 आ, डिवाइड कि तीन की पावर 3। ठीक है जी, आ थले उपरलियाँ जुड़नगियाँ, तीन की पावर 4 हो गया, आ जुड़नगियाँ देखो गुणा के तीन की पावर कि हो गया 11 हो गया, घटावी तो कि आ गया तीन की पावर 11 के 4 कटे तीन की पावर 7। ठीक है जी, 7 देखो अपने को तीन ना उरे तीन उधर कि जी 7, तीन तो 7 कि हो गया 10, तद 11 तीन की पावर कि हो गया 10, तो जो आप 4 के 10 घटावे कि होगा 6। ठीक है, पावर कहदी आऊगी माइनस की, तो 3 की पावर माइनस 6 अपना आंसर आऊगा। डिवाइड के थले आ दोवें जुड़ जाएंगे 10 हो गया, उपर जुड़ गए कि आ गए 4, उपर जो घटावे 4 के 10 घटावे कि आ गया 6, उपर लेके जावे तो माइनस कहदी आऊगी जी, पावर कहदी आऊगी माइनस की, तो आंसर कि आऊगा अपने को 3 की पावर 6 माइनस के आ 6 माइनस के अपने को आंसर आऊगा, ए वाला अपने को आंसर आऊगा। कंपाउंड इंट्रस्ट के 2 साल जो अपना कंपाउंड इंट्रस्ट आ मिश्रित ब्याज 3400 बन गया, तो साधारण ब्याज कितना बनेगा, जिमें कि अपने को 12.5% आ, जरा 12.5% जिन्होंने बटा 100 ला के अपना अनुपात करा तो 1/8 आ गया, कि आ गया 1/8, किन्ने साल है 2 साल, तो जोड़ा मूलधन आप दुगना मनोंगे, स्केयर मनोंगे 8 की स्केयर कि हो जी 64, 12.5% 1/8 कि आ गया 8 रुपए, फिर भी 8 रुपए आ, मिश्रित ब्याज आ तो ब्याज से ब्याज लगता कि आ गया 1 आ गया, यदि 1/8 कि आ गया 8, 16 तो 1/17, 17 हिस्से कि बराबर है 34 के बराबर, क्योंकि आ मिश्रित ब्याज हों ब्याज से ब्याज लगता गा, तो एक हिस्सा कि बराबर आऊगा 3400/17, साधारण ब्याज कि आऊगा 16 हिस्से कि गुणा 16, कट्टांगे कि आ गया 200, तो कि आ गया 200 गुणा 16, तो कि आऊगा 3200 रुपया अपना आंसर आऊगा, आंसर कि आऊगा जी 3200 रुपया अपना आंसर आऊगा। ठीक है जी, 12.5% अगर कट्टांगे तो कि बन गया 1/8, वो स्केयर आप बनना गा अपना मूलधन बनना गा, तो ब्याज से ब्याज लगता अपना मिश्रित ब्याज होता जरा 8 आ गया 8, तो फिर कि आ गया 1, तो 17 कि बराबर है 3400 के बराबर, तो 1 कि बराबर होगा 200 की गुणा कि करना 16, तो कि आ गया 3200। हाँ जी, आ करके देखो देखो अपने को क्या गया 2/3, जे आप गल करते हैं कि 2/3, 2/3 जोड़े विद्यार्थी ने वह कि बराबर ने जी 72 के बराबर, तो कुल विद्यार्थी किन्ने हो गए उधरले पासे लेके जाऊंगे उल्टा के लिखा, कट्टिया कि आ गया 36, 36 तीन गुणा करा 108, टोटल विद्यार्थी किन्ने 108, वह की आ 1/6 कौन ने कुड़ियों 6 दिन वंडता कि आ गया 1/6 आ गया 8/6 कि 48, तो जी कुड़ियों की गिनती आ कि आऊगी 18, तो कुड़ियों की गिनती कि आऊगी जी अपने को 18, एक कुड़ियों की अपने को गिनती आ गई, कुड़ियों की गिनती अपने को कि आऊगी जी 18, ये वाला अपने को आंसर आऊगा जी 18 अपना आंसर। ठीक है जी, की आऊगा क्वेश्चन मार्क की थान से, देखो जोड़ा 32 आप किमें लिख सकते हैं जी 1/5, मतलब आप कह सकते हैं कि 32 आए हैं 2 × 2 = 4, 4 की गुणा 8, 8 गुणा की अगर 16, 16 गुणा 32 यदि पावर कि 5, यदा मतलब 5 के लैना गा, फिर कि 8 नूं की लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 2, ठीक है, तो मतलब 3 के लैना गा, तो दोवों का की है जोड़ आ, जोड़ करा तो आंसर कि आऊगा जी 4 अपना आंसर, ये आप इस तरह करा। ठीक है जी, पावर का मतलब 1/5 का मतलब 5 के 1/3 का मतलब 3 के आप इस तरह करा 4 अपना आंसर। ठीक है जी, देखो इतों तक आप जो मैथ के सम किए थे, आप 35 सम किए जे अपने चंडीगढ़
पुलिस के कॉन्सटेबल के आवगे तो वीडियो वो तो शेयर करो। तो इस तो पहला अपने जो दो मॉक टेस्ट हो रहा यूट्यूब चैनल से चंडीगढ़ कॉम्पीटेटिव क्लास से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने लिए थैंक यू।